गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? पिछले वीडियो में मैंने आपको कर्ता और कारक के विषय में बताया था। कारक कितने प्रकार के होते हैं ये भी बताया था। कारक की प्रथमा व्यक्ति कर्ता का चिन्ह नहीं होता है। और आज हम पार्ट दो में कर्म कारक पढ़ेंगे जिसका चिन्ह होता है को। क्रिया के द्वारा जिस पदार्थ को पाना चाहता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने चोर को पकड़ा तो इसमें को जो हो गया वो कर्म कारक हो गया। कहीं कहीं पर ये चिन्ह नहीं दिखाई पड़ता। जैसे राम बाजार गया, इसमें चिन्ह नहीं, तो इसे हम कर्म कारक कहते हैं। तो चलिए हम अपने पाठ की ओर चलते हैं। बालका किम खादती, बालक क्या खाता है। खादती मीन्स खाता है, किम मीन्स क्या। सह कदली फलम खादती, वह केला खाता है। कदली फलम मीन्स केला। बालका किम खादिष्यति, बालक क्या खाएगा। खादिष्यति भविष्य काल है, तो ये फ्यूचर टेंस मीन्स खाएगा। सह आम्रम खादिष्यति, वह आम खाएगा। आम्रम मीन्स आम। बालका मोदकम अपि खादिष्यति, बालक मोदकम, मोदकम मीन्स लड्डू, अपि मीन्स भी, बालक लड्डू भी खाएगा। द्विवचन बालकों के खादता, तो बालक क्या खाते हैं। तौ कदली फले खादता, तौ मीन्स वे दोनों, वे दोनों केले खाते हैं। बालको के खादिष्यता, बच्चे क्या खाएंगे। ते आम्रम खादिष्यता, वे दोनों आम खाएंगे। तौ असत्यम न वदिष्यता, तौ मीन्स वे दोनों, असत्यम मीन्स झूठ, वे दोनों झूठ नहीं बोलेंगे। वदिष्यता मीन्स बोलना, वे दोनों झूठ नहीं बोलेंगे। अब हम आते हैं बहुवचन की ओर। बालका कानि खादन्ति, बालक क्या खाते हैं। ते कदली फलानि खादन्ति, ते मीन्स वे सब, स मीन्स वह, तो मीन्स वे दोनों, ते मीन्स वे सब केले खाएंगे। बालका कानी खादिष्यन्ति, बालक क्या खाएंगे। ते आम्राणी खादिष्यन्ति, वे आम खाएंगे। ते दुग्धम अपि पास्यन्ति, पास्यन्ति मीन्स पीना, वे दूध भी पिएंगे। त्वम, त्वम मीन्स तुम विद्यालय कदा मीन्स कब, गच्छति मीन्स जाते हो, तुम विद्यालय कब जाते हो। युवाम पुस्तके पढ़ता, युवाम मीन्स तुम दोनों पुस्तक पढ़ते हो। यूयम पुस्तकानि पठिष्यत, तुम सब पुस्तक पढ़ते हो। बालका श्लोकानि पठिष्यन्ति, बालक श्लोक पढ़ेंगे। पठिष्यन्ति भविष्यकाल पढ़ेंगे। बालका सुलेखम अपि लेखिष्यन्ति, बालक सुलेख भी लिखेंगे। अहम त्वाम पार्श्वमि, अहम त्वाम पश्यामि। अहम मीन्स मैं, त्वाम मीन्स तुमको, मैं तुमको देखूंगा, देखता हूँ, मैं तुमको देखता हूँ। त्वम माम पश्यसि, तुम मुझको देखते हो। माम मीन्स मुझको, तुम मुझको देखते हो। आवाम युवाम पश्यावा, आवाम मीन्स हम दोनों, तुम दोनों को देखते हैं। युवाम आवाम पश्यता, युवाम मीन्स तुम दोनों, हम दोनों को देखते हो। वयम युष्मान पश्यामा, वयम मीन्स हम सब, हम सब तुम सबको देखते हैं। यूयम अस्मान पश्यत, यूयम मीन्स तुम सब हम सबको देखते हो। अहम सत्यम वदिष्यामि, अहम मीन्स मैं, सत्य मीन्स सच, मैं सच, वदिष्यामि मीन्स
बोलूंगा, मैं सच बोलूंगा। त्वम अपि सत्यम वदिष्यसि, त्वम मिस तुम, अपि मिस भी, तुम भी सच बोलोगे। बालका सत्यम वदिष्यन्ति कृष्यन्ति च, बालक सत्य और सत्य बोलेंगे और खेलेंगे, यानी बालक सत्य बोलेंगे और खेलेंगे। च मिस और। आशा है आपको इस पाठ का हिंदी का अर्थ समझ में आ गया होगा। बच्चों, अनुवाद करने से पहले हम कुछ चीज़ों को जान लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इस चार्ट को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अनुवाद करने के लिए पहले हम स एक वचन, स तौ ते, स वह, तौ वे दोनों, ते वे सब, त्वं युवां यूयं, त्वं मिस तुम, तुम दोनों, तुम सब, अहम् आवाम वयम्। अहम् मिस मैं, हम दोनों, हम सब। अब जब हम अनुवाद करते हैं तो धातु रूप से लेना है हमें गच, गच मिस जाना, गच धातु का रूप लेते हैं तो सा के यहाँ हो जाएगा गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। फिर यहाँ क्या आ जाएगा, गच्छसि, गच्छता, गच्छत, गच्छामि, गच्छाव, गच्छामा। यानी सा के साथ गच्छति, तौ के साथ गच्छता, ते के साथ गच्छन, कोई भी धातु रूप ले लीजिए, चाहे पट का ले लीजिए, लिख का ले लीजिए, ऐसा ही आपका वर्तमान काल में रूप चलेगा। त्वं गच्छसि, युवां गच्छता, यूयं गच्छत, अहं गच्छामि, आवां गच्छावा, वयं गच्छामः। इस चार्ट को अगर आप याद कर लेंगे तो आपके लिए संस्कृत बहुत ईजी हो जाए, आई थिंक उस मन में आ गया होगा। थैंक यू।